मंच उपस्थित आर्टिसन फॉरेस्ट ब्रिज के सभी निवासियों को, मेरे सभी मैनेजमेंट टीम को, मैं प्रदीप राय अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस पावन दिन में, पवित्र दिन में आकर आपने इस दिन को और पवित्र बनाने के लिए जो आपने साथ दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके धन्यवाद के पात्र हैं। इस हिस्से से मैं इस सोसाइटी के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामना और उनका मैं कृतज्ञ होना चाहता हूं कि आप लोगों ने राष्ट्रीय आपदा में, कोरोना की उपस्थिति में, कोरोना के काल में आप लोगों ने हम सभी का साथ दिया, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, इसके लिए मैं सभी आप लोगों का मैं अपने पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सभी को पता है कि आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस राष्ट्र के महान पर्व पर इस तिरंगे झंडे के सामने यहाँ पर खड़े होकर दो शब्द बोलने के लिए मुझे मौका देने वाले मेरे कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर मुकेश सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया। आप सभी को 72वां गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इस तरह का हम अवलोकन है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश ने आजादी मिली, लेकिन आजादी के 2 साल 11 महीने 18 दिन में के बाद यह दिन आया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान तैयार हुआ। इस मन से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं हमारे संविधान के निर्माता मिस्टर माननीय बी.आर. अम्बेडकर सर और उनके पूरे टीम को। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात रखकर इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है और कुछ नशा तो तिरंगे की शान का है। इसी तरह से लहराएंगे हम अपनी तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा हमारे भारतवर्ष की अभिमान है। बताना चाहता हूं आज का ये दिन हमारे लिए क्यों इतना गर्व का दिन है। आजादी के पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी, मैं आपको एक छोटा सा इतिहास, एक छोटा सा पन्ना ही आपके सामने मेरा रखना चाहता हूं। 14 अप्रैल 1919 रॉयल एक्ट, जो भारत के इतिहास में एक काला दिन था। अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों और भारत के वासियों पर एक ऐसा कानून थोपा दिया गया था कि हम अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकते थे। क्रांति की आवाज उठाने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी आवाज उठाने वाले हर एक क्रांतिकारी को जब तक उस टाइम पुलिस करके जाती थी और उसको भारत मां कहने का अधिकार नहीं था, इनका जिंदाबाद कहने का अधिकार नहीं था। हमारे क्रांतिकारियों में उस समय रंगे बसंती चोला जब कहते थे, 103 की यहाँ पर खून बहुत ज्यादा था, और हमारे क्रांतिकारी हंस हंस के मरने के लिए तैयार हो जाते थे। रॉयल एक्ट 1919 14 अप्रैल इसकी विरोध में जब जगह अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग में जब इसका विरोध प्रदर्शन हमारे क्रांतिकारी कर रहे थे, तो उस समय के हमारे जनरल डायर, उस समय के जो जनरल थे, उन्होंने आप सोच के देखिए इसी तरह ही सभा हो रही थी। और जलियांवाला बाग आप लोगों को यदि पता होगा तो उसमें सिर्फ एग्जिट के लिए एक ही रास्ता है और वहां पर एक अंधा तो कुआं है। उन्होंने रास्ते में एक तोप रख दिया कि ताकि कोई भी वहां से निकल ना पाए, कोई क्रांतिकारी, हजारों के भीड़ में क्रांतिकारी वहां सभा कर रहे थे। उन्होंने लगातार पुलिस प्रशासन लगाकर अंधाधुंध फायरिंग करा के, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1600 से 1650 बार फायरिंग किए गए और उसमें हमारे 3000 से ज्यादा सैनिक इस देश के लिए शहीद हो गए। इस दिन के लिए, इस पल के लिए हम जो लहूलुहान हुए देश के लिए, यदि आप हम सभी यहाँ पर एक बार सोचे तो हमारा रूह कांप जाता है। हमारे देश की क्रांतिकारियों ने ऐसा कुर्बानी दिया है, हमको इस दिन को कभी नहीं भूलना है।
हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम स्वतंत्रता के बाद हम जन्म लिए हैं। हमको इस लड़ाई लड़ने नहीं मिली, लेकिन हमको बस एक छोटा सा काम हमारे लिए करना है कि जिस दिन को उन्होंने बना के गए हैं अपनी जान ने छोड़ करके, उस दिन को हमेशा बना के रखना है। देश में अहिंसा भ्रष्टाचार को मिटाना है। मैं आप लोगों के सामने ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए एक छोटा सा गोरखा का 2-3-4 कविता मैं आपके सामने यहाँ पर बोलकर जाना चाहता हूं कि कहते हैं कि हिटलर ने बोला था कि यदि कोई बंदा कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, एक तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो दूसरा तो वो गोरखा है। मैं उस गोरखे के 2-4 कविता आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। हम है गोरखित भारत के, शान से हमें रहने दो। हम है गोरखे भारत के, शान से हमें रहने दो। रहते हैं भारत भूमि में, तिरंगा हम फैलाते हैं, बहादुरी खूनी कतरे में है, लड़के हम वीर कहलाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा गोरखा तेरा शान रहेगा। जब तक एक है गोरखा में जान रहेगा, हिंदुस्तान का अभिमान रहेगा। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग यहाँ पर आए इसके लिए और एक बार मैं रदित राय पूरे मेरे मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।